हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके, जो कि है फालूदा की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने फालूदा का तैयार पैकेट लिया है, तो ज़रा भी कंफ्यूज मत होइए, मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती जाऊंगी और वो अलग से भी आपको बाहर मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि पैकेट में हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला है चीनी और कस्टर्ड पाउडर का मिक्स। तो चीनी तो सबके घर पर होती ही है, कस्टर्ड पाउडर भी आपको बाजार में बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद इसके साथ आई है छोटी सेवैया, जिसका पैकेट आपको बाज़ार में आसानी से मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिए हैं छोटे पैकेट में तुकमरिया के बीज, वो भी आपको अलग से मिल जाएंगे। यहाँ पे है रोज़ एसेंस, आप कोई भी फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। तो बाज़ार से तुकमरिया के बीज लाने के बाद उसको हमें पहले भिगो के रखना होगा। तो एक बाउल में हम तुकमरिया के बीज निकाल लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि वो थोड़ी देर में फूल के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे तुकमरिया के साथ हम सेवैया भी पानी के अंदर डाल देंगे, ताकि वो भी अच्छे से भीग के तैयार हो जाए। अब यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको एक उबाल आने तक हमें गर्म करना है। अब जो कस्टर्ड पाउडर और चीनी का घोल है, उसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसी बाउल में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा घोल एकदम रेडी हो चुका है, इसको हम धीरे धीरे करके हमने जो दूध उबालने के लिए रखा है उसमें डालेंगे। दूध को हम कंटिन्यूअसली हिलाते जाएंगे जब हम ये ऐड कर रहे हैं। अब सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब तुकमरिया के बीज और सेवैया एकदम रेडी है, उसको भी हम दूध में ऐड कर देंगे। अब मिक्सचर को अच्छे से हिला लेंगे। तो अब हम उसमें डालेंगे रोज़ का एसेंस, आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंस ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई एसेंस नहीं डालना तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उस फालूदे का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अब देख सकते हैं कितना अच्छा रंग इसका जो आ गया है लाल कलर। हमारा फालूदा बनके एकदम रेडी हो चुका है। इसको मैंने गार्निश कर लिया है बादाम और काजू के कतरन से, आप चाहे तो कुछ और भी डाल सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।